हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमल। मेरी चैनल फैशन लाइफ है, आपका स्वागत है। दोस्तों, विंटर का सीजन आ गया है और विंटर के साथ साथ हमारा शादी का सीजन भी आ गया है। तो शादी में जाने के लिए विंटर में हमें इस तरह का कपड़ा को चूज करना है जो हमें ठंड के साथ साथ थोड़ा स्टाइल लुक भी दे। तो आज मैं बात कर रही हूँ हमारा ब्लाउज के बारे में। जैसे कि विंटर सीजन में जितने सारे शादियाँ आता है, तो उनमें से हमें शादी फंक्शन में हमें हमेशा साड़ी पहन के जाना अच्छा लगता है, और ये अच्छी बात भी है। तो साड़ियों में हम किस तरह का ब्लाउज पहने जो कि हमारा बॉडी को वार्म रखे। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं ब्लाउज के साथ। तो नंबर 1, हमें इस तरह का ब्लाउज पहनना चाहिए जो हमारा बॉडी को वार्म रखे। तो ये है कि थोड़ा सा थीक होना चाहिए ब्लाउज। आप नंबर 1 में आप ब्रोकेट प्रिंट का ब्लाउज को चूज कीजिए। अगर ये ब्लाउज ब्रोकेट प्रिंट का ब्लाउज आप चूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा थीक होता है और ये हमारा बॉडी को वार्म रखता है अंदर से। तो इसका आप थोड़ा सा नेक बड़ा और उसका स्लीव भी बड़ा कर दीजिए, लॉन्ग कर दीजिए, तो ताकि आपका सर्दी से आप बच सकते हैं। तो ये ब्लाउज आप जरूर बनाइए अपने पार्टी फंक्शन और वेडिंग सीजन वेडिंग के लिए। तो जितने सारे आपका फंक्शन आ रहे हैं, तो आप उसमें साड़ी के साथ बहुत अच्छा एंजॉय कर सकती है। फिर नंबर 2 में आप एक साटन ब्लाउज बनाइए, साटन क्लॉथ के। तो ये भी थोड़ा सा हैवी रहता है और ठीक रहता है, तो ये भी आपको बॉडी को अंदर से वार्म रखेगी, ताकि आप विंटर में रात में भी आप शादी का मजा ले सकते हैं। फिर नंबर 3 में आप सीक ब्लाउज यूज कीजिए। अभी विंटर में आपको इस तरह का कपड़ा चाहे हो, कुर्ती हो या चाहे हो आपका ब्लाउज हो, कोई भी ड्रेस हो, आप इस तरह का कपड़ा यूज कीजिए जो आपका बॉडी को वार्म रखे। तो आप सिल्क क्लॉथ में बनाइए या फिर आप रेडीमेड भी खरीद सकते हैं। तो सिल्क कपड़े में आप फुल लेंथ में हाई नेक करके, थोड़ा सा नेक को बड़ा करके आप ऊपर तक, तो आप इस तरह का ब्लाउज बना सकते हैं ताकि आपका बॉडी को वार्म रखे। तो इसके बाद भी अगर आपको ठंड लग रहे तो आप अंदर इनर पहन सकते हैं। मैं यहाँ पे हर ब्लाउज का पिक्चर दे दूंगी आप, और नीचे लिख लूंगी ये कौन से क्लॉथ का है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर नंबर 4 में आप वेलवेट प्रिंटेड वेलवेट या फिर प्लेन वेलवेट ब्लाउज भी बना सकते हैं। तो ये आपका बॉडी को वार्म रखेगी और आपका लुक को 4 चांद लगा देगी, और आपको शादी का फंक्शन भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आपका ड्रेसेस रहता है ना, वैसे उसके साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, तो हमारा शादी में हम फुल एंजॉय कर सकते हैं। ये अगर हमारा ड्रेस अगर अच्छा रहा तो हमारा मूड भी अच्छा रहता है। तो आप इस तरह वेलवेट का भी बना सकते हैं, ताकि वेलवेट कपड़ा क्या है कि आपको अंदर से वार्म रखते हैं और बाहर से बहुत अच्छा लुक देता है, थोड़ा शाइनिंग कर जैसा आता है। उसके हिसाब से आप अगर प्रिंटेड वेलवेट है तो आप उसके हिसाब से प्लेन साड़ी, या फिर प्लेन है तो उसके हिसाब से आप कंट्रास्ट प्लेन साड़ी कर सकते हैं, या फिर प्रिंटेड साड़ी, आप कोई भी साड़ी आप पार्टी वेयर का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप फॉक्स फर का आप क्लॉथ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका बॉडी को वार्म रखेगा और अच्छा लुक देगा। अगर आपके पास क्रॉप टॉप है तो आप कोई भी क्रॉप टॉप, थोड़ा जैसे कि साटन का क्रॉप टॉप हो या फिर सिल्क का या फिर ब्रोकेट प्रिंट का कोई भी क्रॉप टॉप हो, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये तो और भी लेटेस्ट मॉडर्न लुक आएगा आपके साड़ियों के साथ, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं आप साड़ियों में। फिर इसके बाद आप विंटर के लिए आप स्वेटर ब्लाउज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि स्वेटर लाइट कलर का स्वेटर ब्लाउज आ रहा है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपका विंटर सीजन के लिए एक अच्छा सा रहेगा, और आपका जैसे कि रात में आप जा रहे हैं तो ये ब्लाउज भी आपका काम आ जाएगी। ये सारे ब्लाउज आप विंटर के लिए जरूर रखिए, क्योंकि विंटर सीजन में आप फंक्शन और शादी का सीजन है, तो आपका जाना जरूरी है। आप सेफ्टी के साथ, आप अभी कोरोना है तो आपको सेफ्टी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम लोगों को लेके अभी पार्टी वगैरह हो रहा है। तो आप शादियों में जाना है तो आप इसके साथ केयर के साथ आप ये पहन के जा सकते हैं।
इसके बाद भी अगर आपको ठंड थोड़ा सा लग रहा है तो आप साइड में एक शॉल भी ले सकते हैं ताकि ये अचानक इमरजेंसी में आपका काम आ सकते हैं। तो आप दोस्तों इस तरह का ब्लाउज को जरूर बनाइए जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर और एक दो ब्लाउज भी मुझे आपको मैंने छोड़ दिया या फिर बताना हो तो मैं यहाँ पे जरूर पिक्चर के साथ उसको लगा दूंगी ताकि उसके नाम के साथ ताकि आप वो खरीद सकते हैं या फिर बना सकते हैं। क्योंकि विंटर के लिए हमें ये सब केयर करना जरूरी पड़ जाता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे दोस्तों सब शादियों में या फिर पार्टी में ये सब इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा चीज़ों को इस्तेमाल करके और शादी का मजा ले, पार्टियों का मजा ले। घर अभी कोरोना टाइम में हम साल भर कहीं नहीं गए, थोड़ा सा कम लोगों को घर में भी हम अगर हो सकते हैं आप लोग बुला के ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। जितने सारे काम हो तो आप शादियों में भी अगर अवॉइड हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आप जाके केयर के साथ सेफ्टी के साथ आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो विंटर ब्लाउज के लिए, किस तरह का ब्लाउज हमें विंटर में स्टिच करवाना है या फिर पहनना है, तो ये मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को कैसा लगा? होप आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा। जरूर कुछ भी आपका यूजफुल रहा होगा, अगर थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो एक लाइक बनता है, लाइक तो जरूर कीजिए और लाइक के साथ साथ शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो न्यू वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों के पास आऊँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।